बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। और मेरा नाम आफ्ताब हुसैन और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल आफ्ताब जोया व्लॉग्स। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। और अल्लाह के फजल करम शुक्र के साथ अपने नए व्लॉग की करते हैं स्टार्टिंग। और आज आप देख रहे हो मौसम काफ़ी खूबसूरत है, पूरा ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं हनुमानगढ़ के अंदर नहीं हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं तो कोई भी शिमला वगैरह और पहाड़ी इलाके में हूँ। जैसे आप देख रहे हो पीछे पूरी फॉग सी है और हल्की हल्की बारिश बूंदें भी हो रही हैं। और अभी टाइम है 4:30 बजे का और असर की अजान हो गई है और अब मैं अजान नमाज अदा करने मस्जिद में जाऊँगा। और उससे पहले मैंने सोचा वो लोग की स्टार्टिंग करते हैं, इतना अच्छा मौसम है आप लोगों के साथ शेयर करें। और बाकी मेरी बाहर जाने की प्लानिंग होती है लेकिन वो बीच में ही रहती है, बीच में कई बार मौसम ख़राब हो जाता है और कई बार कोविड आ जाता है। और कोविड जाए या बारिश मौसम सही हो, दोनों में से कोई एक चीज़ सही हो उसी के बाद में अपने बाहर इंशाल्लाह निकलेंगे। और तब तक के लिए मैं आपको घर पे ही मेरी साथ बातें शेयर करूँगा, आपको आज दिखाएंगे आज क्या होता है और इंशाल्लाह पूरा व्लॉग तैयार करेंगे। बाकी ये बीच में काफ़ी गैप ही पड़ गया था मेरे व्लॉग के अंदर और इसीलिए मैंने सोचा बाहर जाए ना जाए व्लॉग तो कंटिन्यू रखें, इसीलिए मैं व्लॉग कंटिन्यू रख रहा हूँ आज। और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। सोचता तो बहुत हूँ कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये करूँ, मैं इसका व्लॉग बनाऊँ, लेकिन वैसा जैसे अपने सोचते हैं हर बार वैसा हो नहीं पाता। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा सोच लेता हूँ इसलिए मैंने जितनी बार सोचा वो हुआ नहीं। मैंने सब कुछ अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दिया, जैसे भी होगा देखी जाएगी, जब टाइम मिलेगा, जब एक्चुअली टाइम होगा तब अपने आप वो चीज़ अपने को मिल जाएगी, अपने आपको मैं आपको लोगों को वो चीज़ दिखा दूँगा। बाकी टाइम के बिना अपने कुछ भी नहीं कर सकते। अभी भी बारिश हो रही है, आपको दिख रहा होगा बीच में से कैमरे में बीच बीच में बूंदें गिर रही है, लेकिन बूंदों की फीलिंग बस वैसी है जैसे अपने कूलर के आगे सो जाते हैं कई बार, तो फिर अपने को कूलर से जो बूंदें गिरती है बस वैसी फील आ रही है कि वो हल्की हल्की बूंदें सीधे पड़ रही है फेस पे, बाकी शरीर पर तो पता नहीं चल रहा क्योंकि जैकेट वगैरह अपनों ने पहनी हुई है। और जी अब मैं असर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जा रहा हूँ, अजान हो गई है और सलात भी हो गई है। और आप देख रहे हो कि मौसम तो ऐसे लग रहा है जैसे शाम होने वाली है लेकिन अभी असर का टाइम ही है और अभी मैं नमाज अदा करने जा रहा हूँ, तो आपको आके मिलते हैं। और जी वो अपने जा रहे हैं मस्जिद की ओर और ये गेट भी सामने लगा हुआ है। वैसे ये गेट रात को लगाते हैं लेकिन आज दिन में लगा रखा है। इसका जो मकसद है वो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जानवरों के लिए लगाया गया है कि इधर जो खेतों की तरफ जानवर ना जाएँ। और आप ये सामने मेरी भांजी देख सकते हो, जब मैंने कैमरा ओपन किया तो ये बिल्कुल ऐसे स्टैचू बन गई। और बाकी मस्जिद अब आ गई और फ़ोन अपने अंदर रखेंगे। और अब मैं नमाज अदा करके फिर से घर की तरफ जा रहा हूँ और देखते हैं आगे क्या करते हैं अपने। और जी बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो अपने भी चलते हैं, अपने भी खेलते हैं, जब मेरा ही मन कर रहा है बच्चों के साथ खेलने का। और मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि क्या खेल रहे हैं और क्या अपने खेलेंगे। वो देखो कैसे हंस रही, ये सारी हंसने लगी। भाई गिरना जो गिरना जो, बस 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 बस, ये सारे बच्चे हंसने लगे मुझे देख के। मैंने जब फोन अपना बाहर निकाला तो ये पता नहीं इनको क्या हुआ। चलो अपने अब ट्राई करते हैं खेल। और जी जैसे अभी मैंने बच्चों के साथ गेम खेला और मैं पहली टर्न में तो मैंने सही क्लियर कर दिया था और दूसरे टर्न के अंदर मैं आउट हो गया जल्दी। तो अभी वो खेल रहे हैं अपने, थोड़ा सीधा चल के आते हैं खेतों की तरफ, आपको मैं और मौसम दिखाता हूँ। और जी आप ये रोड देख सकते हो मेरे पीछे, आपको रोड दिख रही है, ये अभी नई रोड बन रही है जो हमारे गांव के पास में है बिल्कुल। कि आप देख सकते हो कि इस साइड अभी भी काम बाकी है करने वाला, इस साइड सिर्फ अभी तक मिट्टी डाली है, बाकी आगे देखते हैं क्या कुछ करेंगे, फिर आपके लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा।
कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्या कुछ नहीं हो रहा, और कहाँ से लेके कहाँ तक ये रोड बनेगी, सब कुछ शेयर करेंगे। और अब टाइम काफ़ी हो गया, चलते अपने घर से आ रहे हैं और अब वापस अपने घर पे जाएंगे। और जैसे आप देख रहे हो आज मैं अंदर रसोई के अंदर बैठ के आराम से खाना खा रहा हूँ, क्योंकि बाहर वैसे तो मैं डेली मैं बाहर खाता हूँ चूल्हे के पास, लेकिन आज बारिश हो रही है ऊपर से, तो फिर मैं अंदर आज बैठे हम सारे। और आज ठंड का मौसम है, ऊपर से चावल है और चावल के साथ दाल है और अचार है, और साथ में मेरा देसी हीटर पड़ा है, ये मुझे ठंड नहीं लगने दे रहा। बाकी अपने अब बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं और आपसे मुलाकात करेंगे फिर, बिस्मिल्लाह। और जी मैं ज़्यादा हाथ से खाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से खाना अच्छा लगता है और हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा हो जाती है साथ में। और जी जैसे आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया है, और बस अभी मैं व्लॉग की एंडिंग करूंगा, और पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि मुझे ये जो आज बच्चे बाहर खेल रहे थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई कि हम भी ऐसे खेलते थे गलियों के अंदर। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है वो सिर्फ मोबाइल के अंदर या बस कमरे के अंदर बैठे और लगे रहते हैं, कोई पबजी खेले या फ्री फायर खेले, उन्हें ये बाहर की एक्टिविटी पता ही नहीं। बाकी बाहर भी खेलना चाहिए, आप लोग भी अगर अभी तक खेले करो, कभी मौका मिले तो बैडमिंटन खेलिए या कुछ और गेम खेलिए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, नीचे कमेंट करना, आगे शेयर करना। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपको जल्द मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर, और अपना खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।